हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे HP के लैपटॉप की, जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले लिया हुआ है। कुछ दिन पहले मतलब दो दिन पहले मैंने इसे लिया है और मैंने इसे चलाया है, और मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि ये कैसा लैपटॉप है। मैं चाहता तो तुरंत आते ही, मतलब जब मैंने लैपटॉप लिया था तुरंत ही मैं आपको रिव्यू वीडियो बना के दे सकता था, लेकिन मैंने अभी उसे दो दिन यूज़ किया है। मैं आपको बता सकता हूँ कैसा चलता है, कौन सा प्रोसेसर है और क्या क्या उसमें फीचर्स है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और मुझे एक कितने में पड़ा वो मैं आपको साथ ही साथ बताऊँगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है गुरु, आप देख रहे हैं मौसमी गुरु यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो लैपटॉप है ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एडिटिंग में कुछ दिक्कत आ रही थी, ठीक है। और एडिटिंग इसमें बहुत अच्छी होती है, मैंने अभी करके देखा है, ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब जो मेरा डेस्कटॉप है उसमें थोड़ी लैग मारता था, मतलब हैंग होता था मेरा डेस्कटॉप, लेकिन जो ये लैपटॉप है इसमें हैंग नहीं होता है। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये जो लैपटॉप है इसमें है 4GB रैम, 1TB स्टोरेज, HD डिस्प्ले, विंडो 10 होम, प्लस उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और साथ में ट्रू विजन HP वेबकैम भी इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ वाईफाई कनेक्शन और कोर i3 प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है, जो कि 10th जनरेशन का है। और ये स्टूडेंट, प्रोफेशनल और साथ में जो एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं उनके लिए ये लैपटॉप सूटेबल है, मतलब सूटेबल ये माना गया है। साथ ही साथ में इसमें वाईफाई तो है ही, ठीक है, उसके साथ ब्लूटूथ, स्पीड मतलब स्पीड USB टाइप ए और स्पीड USB टाइप बी भी दी गई है इसमें, और साथ में DVD के लिए भी दिया गया है इसमें, और साथ साथ इसमें HDMI भी दिया हुआ है, प्लस मिराकास्ट कंपोर्टेबल डबल स्पीकर भी इसमें दिया गया है। आप अगर लेना चाहो, ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप इसमें ईजीली मतलब एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी हैंग नहीं मारेगा ना लोड लेगा, प्रोसेसर इसका अच्छा खासा है और लाइट वेट तो है ही, ठीक है। मैं आपको अभी लाइव बताऊंगा, ठीक है, ये मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ, और ठीक है इसकी प्राइस तो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और अभी मैं इसको लाइव बता रहा हूँ, जस्ट मिनट, अभी रखा है यहाँ पे, उठा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ये सुपर स्पीड USB टाइप की है, ठीक है, ये बी है, ये है HDMI, इसे HDMI बोलते हैं, ठीक है। और साथ में ये तो चार्जर की पिन है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बहुत लाइट वेट है, देख रहे हो, लाइट वेट मतलब समझ सकते हो आप, हल्का फुल्का है, ओनली 1.7 kg का, ठीक है, मतलब 1.5 किलो का है, 1.5 किलो कह सकते हैं, 1.5 किलो का ये लैपटॉप है। और इसके साथ साथ और यहाँ पर आप ये SD कार्ड भी अदर लगा सकते हैं, ठीक है, ये जो आईफोन का है ना, ये आईफोन की USB लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, आईफोन के लिए भी दिया हुआ है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और इसके साथ साथ ये जो आप देख सकते हैं कितना स्लिम है, देख रहे हो ना, बहुत स्लिम। अब मैं इसकी अभी सिनेमेटिक वीडियो भी बताऊंगा, मतलब सिनेमेटिक वीडियो तो फर्स्ट में चला दूंगा, चल गई होगी अब तक तो, ठीक है, सिनेमेटिक जो वीडियो है पूरी चलेगी, मतलब ऐसे उठेंगे इसमें, ठीक है, ये है। और अगर आप मतलब कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल वर्क, या आप ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत हल्का फुल्का है। अगर आप जैसे ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का बैग में आसानी से बन जाएगा। और ये कितने का पड़ा है ये मैं बता दूँ, ये मेरे को पड़ा है करीबन 35,000 का पड़ा है ये, ठीक है, ये 35,000 का पड़ा है, और हो सकता है प्राइस थोड़ी कम बढ़ गई होगी, मतलब जब वीडियो अभी बन रहा है तब इतने का है, जब वीडियो एक साल हो जाए या एक हफ्ते एक महीने, तो हो सकता है थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे कम ज़्यादा कैसे होते हैं, अगर स्टॉक कम बचता है तो वो रेट बढ़ा देते हैं, स्टॉक ज़्यादा रहता है तो रेट कम कर देते हैं, ठीक है। ये थे मतलब रेट का। और इसमें वेबकैम है, ठीक है, वेबकैम कहाँ पर, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, देखो ये जो दिख रहा ना, ये वेबकैम है, ठीक है, मतलब ये वेबकैम है, ट्रू मतलब HP ट्रू विजन वेबकैम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको सीधा करके मैं दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा वो मार रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर i3
10th जनरेशन। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं पता दूंगा और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और ये जो लैपटॉप है ये मैंने कौन से पैसों से खरीदे, ठीक है, आपने थंबनेल में देखा होगा और उसमें तो मैंने लिखा ही है, लेकिन ये मैंने कौन से पैसों से खरीदे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो यूट्यूब से इतने जल्दी इतने पैसे आते नहीं हैं, शायद अगर आपने दो चार वीडियो कुछ देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। तो ये यूट्यूब मनी का तो है ही नहीं, ठीक है। और ब्लॉगिंग से तो आते हैं, लेकिन मैंने ये ब्लॉगिंग से नहीं खरीदा हुआ है, ठीक है। ओनली मैंने थंबनेल में लिखा है उसके लिए माफ़ करना, ये मैंने ब्लॉगिंग से नहीं खरीदा हुआ है क्योंकि डेस्कटॉप था मेरे पास, लेकिन ये मैंने खरीदा हुआ है अपने पापा के पैसों से, ठीक है। मैंने बोला था पापा जी को कि लैपटॉप चाहिए था यार मुझे, फिर उन्होंने कहा ठीक है ले लो, तो ज़्यादा नहीं बोला था, मैंने एक दो बार बोला था और उन्होंने दिला दिया, ठीक है। और अगर आपको जैसे ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं या फिर यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, तब आप कमा सकते हैं ब्लॉगिंग और यूट्यूब से। ऐसा नहीं है कि कमा नहीं सकते, कमा आप दोनों से सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। यूट्यूब से भी आप बहुत पैसे कमा सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये लैपटॉप मैंने क्यों लिया, ठीक है। पहली बात तो मेरे को क्या है, मैं जाता हूँ जॉब में, ठीक है, जॉब में जाता हूँ तो घर में क्या है डेस्कटॉप, तो जब मैं जॉब में जाता हूँ तो क्या होता है कि डेस्कटॉप तो लेके जा नहीं सकते साथ में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जॉब मेरी है तो मैं लैपटॉप को ले जा सकता हूँ साथ में, ठीक है। लैपटॉप को साथ ले जाके कहीं भी कभी भी वर्क कर सकते हैं, टिफ़िन कर रहे हैं तो भी आधे एक घंटे दो घंटे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी देखना हो मुझे या फिर आर्टिकल डालने हो, कीवर्ड सर्च करना हो, कुछ भी एक घंटे दो घंटे वो भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिया। आप कौन कौन ले सकते हैं, स्टूडेंट अगर हैं तो भी ले सकते हैं, और ये ब्लॉगर यूट्यूबर के लिए तो बेस्ट है और साथ में स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हल्का फुल्का और स्लिम है। जब आप ऐसे रखोगे ना, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे रख लोगे तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का है, देख सकते हो, अभी ऐसे रख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, आप खुद देख सकते हो कितने स्लिम हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लिम है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही स्लिम है। ये देखो, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्लिम है, ये ऐसा पकड़ सकता हूँ मैं, ये देख रहे हो, ये है इसकी खासियत। और बाकी आप बताइए, आपको ये कैसा लैपटॉप कैसा लगा, और जो भी आपको बोलना हो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता दीजिए मुझे, और अगर साथ में आपका कोई मतलब मन हो कि आप इस चीज़ का रिव्यू करो भाई, तो वो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए कि मैं किस चीज़ का आगे रिव्यू करूँ, और अगर आप चाहो बताना कि आगे की वीडियो मैं किस टॉपिक बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।